नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ग्रेजुएशन का टॉपिक है जिसका नाम है फेडरल सिस्टम ऑफ द कैनेडा। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि फेडरल सिस्टम होता क्या है या फेडरलिज्म क्या होता है। इसको हिंदी में संघवाद बोला जाता है दोस्तों, और इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, द डिवीजन ऑफ द पावर्स अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब दोस्तों इसका क्या है कि जो पावर्स होती हैं सरकार की, वो सरकार के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड की जाती हैं। जैसे भारत के अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट लोकल इश्यूज़ पे काम करती है। तो इस बारे में हम कनाडा के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे भारत के अंदर सिस्टम काम करता है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कनाडा का फेडरल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। कनाडा के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कनाडा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब दोस्तों संविधानिक राजतंत्र है। संविधानिक राजतंत्र होता क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका कि कनाडा के अंदर संविधान है, संविधान के अनुसार सरकार काम करती है, चुनाव होते हैं, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली चलता है। लेकिन कनाडा का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ को माना जाता है, और एट प्रेजेंट दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है वो कनाडा की ऑफिशियल हेड हैं दोस्तों। लेकिन जो रियल पावर्स होती है संविधान के अनुसार वो प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कनाडा के बारे में। अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कैनेडन फेडरल सिस्टम के बारे में। जो कैनेडियन फेडरल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है दोस्तों। तो कैनेडियन जो फेडरल सिस्टम है उसकी जो पावर्स हैं वो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखी हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब बड़ा सिंपल सा है इसका, जैसे भारत के अंदर मोटे मोटे तौर पर दो सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे ही कनाडा के अंदर दोस्तों प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है दोस्तों वो नेशनल लेवल पर काम करती है और इसको कंट्रोल करता है प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, और जितने भी नेशनल लेवल से रिलेटेड इंटरेस्ट होते हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो सारे चीज़ें दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और अब बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दोस्तों बात की जाए, जैसे भारत के अंदर राज्य सरकार होती है ठीक उसी तरीके से कनाडा के अंदर स्टेट लेवल पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करती है, और इसको कंट्रोल करते हैं द प्रीमियर्स एंड इट्स कैबिनेट। मतलब दोस्तों प्रीमियर का क्या मतलब होता है, जैसे भारत के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं राज्य स्तर पर, ठीक उसी प्रकार कनाडा के अंदर राज्य लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर प्रीमियर्स काम करते हैं। तो जो भी मैटर्स होते हैं जो राज्यों से संबंधित होते हैं वो सारी जो पावर्स है किसके हाथ में होती हैं दोस्तों, प्रीमियर्स के हाथ में होती हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कनाडा का फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है। तो दोस्तों ये कैनेडियन फेडरल स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, और द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1867 है जो संविधान की जो धारा है कनाडा की दोस्तों, वो क्या करती है वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर क्लियरली डिफाइन करती है द डिफरेंशिएशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब जो संविधानिक है वहाँ का जो संविधानिक स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पर पावर्स और फंक्शंस और उनके जो ज्यूरिडिक्शंस हैं वो क्लियरली डिफाइन करता है कि कितनी पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर है और कितनी पावर्स फेडरल गवर्नमेंट पे है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो फेडरल सिस्टम है कनाडा का वो काम करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कनाडा का जो सिस्टम है वहाँ की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे काम करता है। कनाडा का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सबसे पहले उसकी हेड जो होती है वो क्वीन होती है, मोनार्क होती है, और उसके दो हाउसेस के पार्लियामेंट है। जैसे भारत के अंदर दोस्तों सांसद होता है, सांसद के जो दो हाउसेस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार से कनाडा का जो फेडरल पार्लियामेंट है उसकी जो दो पावर्स है वो दो हाउसेस में बटी हुई है। दो हाउसेस का मतलब दोस्तों, एक तरफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स जिसको हम लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, जैसे भारत में लोकसभा होता है, और दूसरी तरफ होता है सीनेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, जैसे भारत के अंदर राज्यसभा होता है दोस्तों। बात करें द हाउस ऑफ द कॉमन्स की, उसके अंदर दोस्तों 308 मेंबर्स होते हैं, और बात करते हैं सीनेट की जो अपर हाउस है
उसके अंदर दोस्तों 105 मेंबर्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है और जो पावर्स हैं कैसे बटी हुई हैं। जैसे दोस्तों भारत के अंदर ऐसा होता है जो दो हिस्सों में पावर्स होती हैं, बटी हुई होती हैं, या हम बोल सकते हैं जो भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो टू हाउसेस चैम्बर है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कैनेडा के अंदर पावर्स डिवाइड हो रखी हैं दोस्तों। और हम आगे बात करें अगर कैनेडा की दोस्तों, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति दोस्तों होते हैं और गवर्नर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कैनेडा के अंदर भी ऐसा सिस्टम होता है फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके एग्जीक्यूटिव हेड बोल सकते हैं हम गवर्नर जनरल ऑफ द कैनेडा। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सरकार पर नज़र रखता है, ऐसे ही वहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ कैनेडा होता है जो उसके फेडरल गवर्नमेंट के कामकाज पे कंट्रोल करता है। और जैसे भारत के अंदर राज्य स्तर पर गवर्नर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी तरीके से दोस्तों कैनेडा के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पोस्ट होती है और ये वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं या उसके कामकाज पर नज़र रखते हैं दोस्तों। तो ये कुछ सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत ही आसान भाषा में और भारत से कंपेयर करके बताया आपको ताकि इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाए। और दोस्तों दोनों ही पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ कैनेडा और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की जो पोस्ट होती है वो मोनार्की रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब क्वीन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो क्वीन को ही रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है कैनेडा का पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कैनेडा का जुडिशियल सिस्टम के बारे में। उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आप 11th क्लास 12th क्लास या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए दोस्तों। तो बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की। तो कैनेडा का एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसको हम बोल सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कैनेडा दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कैनेडा इज़ द हाइएस्ट फंक्शनरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या हाइएस्ट अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। इसका मतलब दोस्तों जितने भी संविधानिक मैटर्स होते हैं उसका अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है दोस्तों। तो ये फेडरल सिस्टम था कैनेडा का, बहुत ही मजबूत फेडरल सिस्टम है। और टाइम टू टाइम जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक अमेंडमेंट के अंदर दोस्तों जो वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेडरल और पुराना फेडरल सिस्टम है कैनेडा का, और इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ तक ये वीडियो थी, आई होप आपको आसान भाषा में समझ आ गई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।